साथियों, सिर्फ 3 दिनों में दूर से यानी अपने घर में बैठकर किसी को भी अपने वश में करने के लिए, किसी के भी दिल में अपनी भयंकर मोहब्बत पैदा करने के लिए और किसी रूठे हुए को मनाने के लिए, यानी किसी के दिल से नफरत, नाराजगी और गुस्सा खत्म करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये बड़े काम का है और बड़ा ही कामयाब अमल है। सिर्फ 3 दिनों में जिंदगी भर के लिए ये हो जाता है, परमानेंटली ये हो जाता है। यकीनन मोहब्बत करने वालों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए ये अमल बड़े काम का है। खासियत इस अमल की ये है कि पत्थर से पत्थर दिल महबूब भी पिघल जाता है और कोई कितना ही दूर क्यों ना हो, वो आपके वश में हो जाता है, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक, बात करते हैं इस बेमिसाल मोहब्बत वाले सिर्फ 3 दिन वाले अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, जहाँ पे ये अमल सिर्फ 3 दिनों का है, बड़ा ही पावरफुल है, आजमाया हुआ है और लाखों निराश प्रेमियों ने अपनी मोहब्बत को इस अमल के थ्रू अल्लाह के फजलो करम से हासिल किया है, वहीं पे इस अमल की बड़ी ज़बरदस्त आसान सी छोटी सी शर्त है। वो ये है कि नाजायज काम के लिए, गलत मकसद के लिए इस अमल को कोई अगर करेगा तो उसको कोर होने का खतरा है। इसलिए इस अमल को नाजायज काम के लिए, नाजायज मोहब्बत के लिए हरगिज़ और हरगिज़ न किया जाए, क्योंकि इस अमल में अल्लाह तबारक व ताला का एक पाक नाम, एक मुबारक नाम पढ़ा जाता है और वो पाक नाम है या वाली। या वाली, या वाली का मतलब है कि ए कारसाज, ए मालिक, ऐ कारसाज और मालिक। ये नाम अल्लाह तबारक व ताला का जमाली है और इसी नाम का ये वजीफा है। तरीका इसका ये है, हिंदू भाई क्या कैसे करेंगे आगे मैं बताऊंगा। इसका तरीका ये है कि रोज़ा रखा जाए। इस अमल को यूं तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये चढ़ती हुई तारीखें हैं, महीने की चढ़ती हुई तारीखें हैं, अगर चढ़ती हुई महीने में उरूज माह में शुरू किया जाए तो बहुत अच्छा है। तरीका ये है कि जिस दिन आपको शुरू करना हो, रात को शुरू करना हो, तो दिन में आप रोज़ा रखें, दिन में आप रोजे से रहें और पूरा तर्क जमाली और जलाली तर्क हैवानात परहेज के साथ रहें, यानी हर तरह के गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, अदरक, लहसुन, प्याज नहीं खाना है आपने, और आपने जो है चमड़े वगैरह का चप्पल, जूता वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपका परहेज रहेगा। दिन में रोज़ा रखिए और रात में अगर आपने ये अमल पढ़ना है तो रोज़ा खोलने के बाद, मगरिब बाद जो है, आप अपने काम में लग सकते हैं, अपने काम को निपटा सकते हैं, लेकिन ईशा बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। और अगर आप मगरिब बाद खाना खाते हैं या ईशा के पहले खाना खाते हैं तो कम खाना खाएं, ताकि आपको ये अमल पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और दिन में आप 2 बजे, 1 बजे थोड़ा 1-2 घंटे की नींद ले लें, ताकि रात को अच्छे से अमल आपसे पढ़ा जा सके। अब आपने क्या करना है कि बाद नमाज ईशा आपने इस अमल को पढ़ना है इस तरह कि जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं या जिस रूठे को मनाना चाहते हैं, अपने काम की नियत कीजिए, मजबूत नियत कीजिए कि इस काम के लिए, इस अमल को करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इसके बाद में मजबूत आपने नियत कर लिया, अब आपने क्या करना है कि एक मजबूत भरोसे के साथ, दिल की गहराई के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे अकीदे के साथ, दिल से ईमानदारी के साथ अल्लाह तबारक व ताला का ये नाम 47,000 बार पढ़ना है, 47,000 टाइम पढ़ना है। अव्वल आखिर 21-21 मरतबा दूधे पाक। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 47,000 बार पढ़ना बहुत मुश्किल का काम नहीं है,
असंभव काम नहीं है, नामुमकिन काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम ज़रूर है। लेकिन अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, टूट के मोहब्बत करते हैं, आप किसी के बिना जी नहीं सकते हैं, तो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये कुछ भी नहीं है। आप 47,000 मरतबा पढ़िए, और जब तक आप ये अमल पढ़ें, आपका जहन हाजिर रहे और आप अपने मकसद को अपने दिलो दिमाग में रचा के और बसा के रखें, और दिल की गहराई के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ इस अमल को पढ़ते रहें। अमल के खात्मे पर आपने क्या तसव्वुर करना है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मतलूब को, यानी आपकी मोहब्बत को बांध कर आपके सामने लाकर रख दिया है, आपके सामने खड़ा कर दिया है, आपकी मोहब्बत में उसको गिरफ्तार कर दिया है। इस तरह से आपने अमल के खात्मे पर एक मजबूत कल्पना करना है, मजबूत तसव्वुर करना है। उसके बाद में अमल मुकम्मल हुआ, अब आपने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए रब की बारगाह में दुआ करना है, यह पाक परवरदिगार आलम तू मेरी मोहब्बत को मेरी झोली में डाल दे, ऐ अल्लाह तो अपने हबीब के सदके तवस्सुल से मुझे मेरी मोहब्बत दे दे, फलां बिन फलां के दिल में या फलां बिन ते फलां के दिल में मेरी गहरी मोहब्बत पैदा कर दे, या कि नफरत नाराज़गी ख़त्म कर दे, जो भी आपका मकसद है उसके लिए दुआ कीजिए। और इसी परहेज के साथ, इसी तरीके से, उसी जगह पे, उसी वक्त पे 3 दिनों तक ये अमल आप कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मतलूब, आपकी मोहब्बत, आपका महबूब 7 समंदर पार भी होगा तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत की मौजें मारेंगी, और वो आपकी मोहब्बत में तड़पेगा, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो आपके वश में हो जाएगा। और जो कोई आपसे नाराज़ है, नफ़रत करने लगा है, रूठ गया है, वो भी मान जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुद ही कांटेक्ट करेगा, अगर उसके पास आपका कांटेक्ट है तो। इन केस ना हुआ तो अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वो जो है मान जाएगा, आपकी बात को मान जाएगा और नफ़रत नाराज़गी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक अथेंटिक तरीके से, एक जेन्युइन तरीके से अगर कोई अपनी मोहब्बत को, जायज़ मोहब्बत को हासिल करना चाहता है, तो इस तरह से वो जेन्युइन तरीके से, अथेंटिक तरीके से अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से अल्लाह का नाम पढ़ के वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकता है। और हिंदू भाइयों को मैं बता दूं कि जो वीडियो के आखिर में प्लेलिस्ट आएगी, उसमें मैंने बहुत सारे मोहब्बत के अमल, वजीफे, टोटके मैंने पेश किए हैं वशीकरण के, आप देख लीजिएगा, जो भी आप कर सकते हैं उसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि इस अमल में नमाज शर्त है, और पाबंदी शर्त है, परहेज शर्त है, रोज़ा रखना शर्त है, इसलिए जो है हिंदू भाइयों को ये अमल करने में परेशानी होगी, नहीं कर सकेंगे, तो वो वीडियो के आखिर में जो प्लेलिस्ट आएगी उसमें वो अपना मन पसंदीदा अमल देख के करके अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। मौला तबारक व ताला से दुआ है कि जो भी अपनी जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए इस अमल को करे, अल्लाह उसका पढ़ना कबूल करे और उसे उसकी मोहब्बत उसकी झोली में डाल दे। और अगर आप अपने लिए दुआएं ख़ास कराना चाहते हैं, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में आपका नाम लिख दीजिए, कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका नाम दुआ ख़ास में शामिल किया जाएगा और आपके लिए दुआ ख़ास किया जाएगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं और अच्छे वीडियो के साथ, उपान उसके अमल नक्श के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आदाब।